दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की डिमांड पर आया क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से मुझसे एक चैनल का ट्यूटोरियल वीडियो लाने की डिमांड कर रहे थे। अब उस चैनल का नाम तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उस चैनल पर आपको जो वीडियोस क्रिएट करने हैं ना भाई, उसमें आपको भाई ना ही अपना फेस दिखाना पड़ेगा ना ही अपना वॉइस एड करना पड़ेगा। सिंपल से आपको क्या करना है, पूरा काम आपका AI करेगा। सिंपल से आपको कुछ वीडियो क्लिप्स को लेना है, उसमें AI वॉइस को लगाना है एंड सिंपल से अपलोड कर देना है। और ये सब करके जो चैनल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उसने 1-2 मिलियन नहीं बल्कि 10 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स बना लिए। अब मैं आपको फटाक से बताता हूँ ऐसा कौन सा चैनल जिसने 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स बना लिए सिर्फ और सिर्फ यूनिक कंटेंट को अपलोड करके। यहाँ पर मैं अपनी फोन स्क्रीन को ओपन कर लेता हूँ। इस चैनल का नाम है नवीन राइस एंड 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है सिर्फ 382 वीडियोस में। एंड यहाँ पर लेटेस्ट शॉर्ट चेक करें तो ये देखिए हर शॉर्ट्स पर हजारों में लाखों में व्यूज आ रहा है। एंड इससे पहले के शॉर्ट्स पर देख सकते हो भाई किसी पर करोड़ों में, किसी पर 15 लाख, 87 लाख, 1 करोड़, 7 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़। और दोस्तों इस तरीके से करोड़ों में व्यूज आ रहे तो इसके पॉपुलर वीडियो शॉर्ट देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए 8.5 करोड़, 7.9 करोड़, 7.9 करोड़, इस तरीके से पर वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। अब किस टाइप का वीडियो है तो मैं आपको पहले एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, फिर उसका ट्यूटोरियल मैं आपको बताऊंगा। जब इस आदमी ने देखा कि उसके घर के बाहर बर्फ का एक बड़ा सा पहाड़ जमा हो गया है तो उसने उसे हटाने की बजाय उसके साथ कुछ मजेदार करने का सोचा। उसने सारी बर्फ को एक असली फेरारी का लुक देने के लिए उसे तराशना शुरू कर दिया। फिर उसने उसे लाल रंग देने के लिए पेंट का इस्तेमाल किया जिससे वो असली फेरारी की तरह दिखने लगी। कई घंटों की मेहनत के बाद उसने उसे बिल्कुल एक असली फेरारी कार के जैसा बना दिया, लेकिन अफसोस इसे बस 2 लोगों ने ही लाइक किया। तो आप लोगों ने देखा ये क्या करता है, किसी भी भाई खास मोमेंट अनबिलीवेबल मोमेंट्स का वीडियो को ढूंढता है और उस पर सिंपल से एक बढ़िया से स्क्रिप्ट लिखकर AI वॉइस के यूज करके उसे अपलोड कर देता है। और इस वीडियो पर 39 लाख से भी ज्यादा व्यूज है। भाई आप देखिए इस टाइप के अनबिलीवेबल मोमेंट्स वाले वीडियो सबको कहां पर मिलेंगे, तो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैं आपको बताने वाला हूं आप 3 तरीके से ये वीडियोस को ले सकते हो। पहला तरीका है भाई चाइनीज एप्लीकेशन, जिससे काफी सारे शॉर्ट क्रिएटर्स वीडियोस रहते हैं। सिंपल से आपको करने का है, पहले तो चाइनीज एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में एक लिंक मिलेगा आपको एक वीडियो का, उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल से बताया कैसे आप चाइनीज ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, उससे आप लोग वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसके बाद उस पर आपको कौन से आईडीज पर ये इस टाइप के वीडियोस मिलने वाले तो वो आईडीज मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। भाई दूसरा तरीका है इंस्टाग्राम पेज से वीडियोस को लेना, लेकिन आपको नहीं पता होगा किस टाइप के पेजेस पर इस टाइप के वीडियोस को अपलोड किया जाता है। तो देखिए मैं आपको 3 से 4 पेज का लिंक देने वाला हूं टेलीग्राम पर, तो वहां पर आप लोग चेक करोगे ना सेम टू सेम इससे भी बढ़िया वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एंड थर्ड तरीका आपको पता होगा भाई कंटेंट का खजाना, यूट्यूब से ही आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जहां तक मैं आपको बताऊं ना, मैं आपको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 से भी ज्यादा चैनल का लिंक दे दूंगा टेलीग्राम पर। सिंपल आप उन चैनल को ओपन कीजिए एंड शॉर्ट का यूज नहीं करना है आपको, लॉन्ग वीडियो पर जाना है एंड किसी भी एक वीडियो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब कैसे आपको उसको सेव करना है तो देखिए यहां पर तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट एक बार आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर से चेक करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको कॉन्टेंट कहां से लेना है बहुत ही आसानी से बता दिया। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट का, क्योंकि भाई जब तक हम वीडियो को सही तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट ही नहीं करेंगे कैसे हमारा वीडियो चलेगा। तो यहां पर देखिए मैं आपको स्क्रिप्ट के लिए अपने नोटपैड ओपन कर लेता हूं। स्क्रिप्ट आपको हमेशा 2 तरीके को ध्यान में लिखकर लिखना होगा। देखिए पहले आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको क्लिप बेट लाइन का यूज करना है। स्टार्टिंग जो 3 से 5 सेकंड होते हैं वही डिसाइड कर देते हैं आप वीडियो पर वायरल व्यूज आपको वीडियो वायरल जाएगा या फिर नहीं जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्टिंग में कुछ इस तरह की लाइन का यूज करूँ, क्या 100 साल पुरानी कार को दोबारा से ठीक किया जा सकता है, इससे लोगों से स्किप नहीं करेंगे क्योंकि भाई उन्हें भी लगा होगा क्योंकि इस लाइन को इस बंदे ने बोला है आखिरी वीडियो में आगे ऐसा कुछ जरूर से होगा। तो इसी का आपको यूज करना है, इससे क्या होगा आपकी वीडियो का जो व्यू ड्रेस है वो बढ़ेगा जिससे यूट्यूब आपको वीडियो को और ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएगा। इसके बाद आपको अपने मेन क्लिप को एक्सप्लेन करना होगा और कोई नॉर्मल वे से नहीं भाई, सस्पेंस लाइन के साथ, जैसे कि ऐसे नहीं देखो मैंने यहाँ पर किया हुआ इसको एक्सप्लेन। दरअसल जब किसी कार की बॉडी पूरी तरीके से बेकार हो जाती है तब उसे मेटल रिसाइकल फैक्ट्री में लेकर कुछ इस तरह से तोड़ मरोड़ का एक एक पार्ट को अलग कर इस तरीके से बिखर दिया जाता है जैसे कि एक खिलौना वाली कार हो, ऐसी कुछ आपको सस्पेंस लाइंस का यूज करना। ये स्क्रिप्ट मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करके यहाँ पर यूज कर सकते हो एंड इसे आप लोग ध्यान में रखकर लिख सकते हो अपने स्क्रिप्ट को बार बार कि हाँ मुझे स्टार्टिंग में क्लिकबेट लाइन यूज करना है जिससे मेरा व्यू ड्रेस बढ़ेगा एंड किस तरीके से मुझे सस्पेंस वाली लाइंस का यूज करना है अपने वीडियो पर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, ऑडियंस रिटेंशन ज्यादा से ज्यादा लाने के लिए। अब सबसे ज्यादा मेन काम नवीन राय जैसे वॉइस कैरेक्टर कहां से लाएंगे और AI वॉइस कैसे जनरेट करें। सबसे पहले तो AI वॉइस हम जनरेट करेंगे 11 लैब वेबसाइट से, लेकिन वहां पर तो सब्सक्रिप्शन का प्रॉब्लम आ रहा है भाई, कुछ नहीं आएगा। आप एक बार टेलीग्राम चैनल चेक करो और ध्यान से आप लोग देखना क्लिप को, ठीक है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं भाई कैरेक्टर कौन से यूज करता है नवीन राय, तो वो मैं आपको बहुत ही डिटेल से आगे बताऊंगा एंड साथ ही उसके साथ मैं आपको एडिटिंग का पार्ट भी बताने वाला हूं। तो प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप करके मत देखना क्योंकि आप जो टॉपिक
मुझे बताते हो, जिसकी आप लोग डिमांड करते हो, उसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। पहले तो एक दो दिन का रिसर्च लगेगा, फिर उसे बनाएंगे, शूट करेंगे, एडिट करेंगे, अपलोड करेंगे, भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और आप लोग सिर्फ एक मिनट देख कर चले जाते हो भाई 10 से 20 मिनट की वीडियो को, तो आप लोग सोचो भाई मेरी मेहनत पर आप लोग पानी फेर देते हो। तो प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब मत कीजिए, लाइक मत कीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा एंड तक तो देखिए भाई, आप ही को फायदे के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। ठीक है, अब मैं आपको पहले एआई वॉच बताता हूँ, उसके बाद बताऊंगा एडिटिंग। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो कि मैंने इस स्क्रिप्ट में काफी सारे कॉमेंट किए। मैंने क्यों किया, देखिए हम एआई को इमोशन ऐड करवाना चाहते हैं एक स्क्रिप्ट में, तो मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर आप थोड़ा लाइन को पढ़ने की कोशिश कीजिए कि 100 साल पुरानी कार को, इसके बाद एआई एक लाइन को पढ़ेगा, कोमा से क्या होता है एआई उस पर रुक जाता है, इसके बाद वो दूसरी लाइन को बहुत ही अच्छी क्लियरिटी के साथ पढ़ता है, जैसे कि दोबारा ठीक किया जा सकता है, इसके बाद फिर दोबारा अच्छे से लाइन को पढ़ेगा। ये क्वालिटी आपको और ज्यादा नजर आएगी जब हम यहाँ पर एआई वॉइस को सुनेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस स्क्रिप्ट को सिंपल से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ सिंपल क्रोम ब्राउजर पर, एंड यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ 11 रैप वेबसाइट। एंड सर्च करने के बाद सिंपल से क्या करना है, इस तरह के इंटरफेस शो होगा आपको, थोड़ा इंतजार करते हैं पहले। तो यहाँ पर आपको अपने स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है, एंड इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको कैरेक्टर पर जाकर एलेक्स वाला कैरेक्टर सिलेक्ट करना है। देख सकते हो पूरा नाम एलेक्स एक्सप्रेसिव नरेटर, यही कैरेक्टर वो बंदा यूज करता है नवीन राइस। इसे आप कैसे ऐड कर सकते हो, नीचे फाइंड मोर वॉइस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके सिंपल से आपको यही नाम सर्च कर देना है, एलेक्स एक्सप्रेसिव नरेटर। और सिंपल से जनरेट स्पीच पर क्लिक करते हैं, तो अब आप लोग वॉइस की क्वालिटी देखिएगा, क्या ही गजब की क्वालिटी आती है। यहाँ पर कुछ सेकंड, क्या 100 साल पुरानी कार को दोबारा ठीक किया जा सकता है? दरअसल जब किसी कार की बॉडी पूरी तरह से बेकार हो जाती है, तब उसे मेटल रिसाइकिल फैक्ट्री में लाकर कुछ इस तरह से तोड़ मरोड़ कर एक एक पार्ट को अलग कर दिया जाता है, जिसे देखने में ऐसा लगता है जैसे ये एक खिलौने वाली कार हो। तो देखा आप लोगों ने वॉइस की क्वालिटी, अब सिंपल से हम डाउनलोड कर लेते हैं। एंड डाउनलोड करने के बाद देखिए, पहले डाउनलोड हो जाने देते हैं इसको, एंड इसके बाद मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा इसे यूज़ करने का। पहले हम जाएंगे क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम जाएंगे 3 डॉट पर, एंड इसके बाद अब सिंपल से हमें जाना है डाउनलोड्स पर, एंड इसके बाद यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके रीनेम पर जाना है, एंड इसका नेम हमें चेंज कर देना है, क्योंकि नेम चेंज नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकता है काफ़ी सारा, एंड उसको हम ढूंढ नहीं पाएंगे एडिटिंग एप्लीकेशन में। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नवीन ही यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ, एंड ओके कर देता हूँ। इसके बाद सिंपल से हम अपने कैपकट एप्लीकेशन ओपन करेंगे एडिटिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया, एंड न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके अपने उस वीडियो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये रहा मेरा वीडियो, ऐड पर क्लिक करता हूँ, एंड इसके बाद पहले आप लोग देखिए इस वीडियो का साइज क्या है, यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके का। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, एंड एक्सपेक्ट रेशो का आपको ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए 9:16 का रेशो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल हम इसे डबल रोल कर लेते हैं इस तरीके से। एंड इसके बाद सिंपल से क्या करेंगे, पहले तो इसका जो ओरिजिनल साउंड है म्यूट करने के लिए, यहाँ पर आपको आगे देख रहे हैं म्यूट बटन, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी पर क्लिक करेंगे, एंड इसको कर लेंगे डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आ जाना है स्टार्टिंग में और इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। इसके बाद वीडियो इफेक्ट्स पर जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद पहले आपको सर्च करना होगा ब्लर। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ ब्लर, एंड यहाँ से आपको ब्लर इफेक्ट को ले लेना है। तो यहाँ पर सर्च करते हैं सिंपल से, एंड यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इफेक्ट मिल जाएंगे, तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद सिंपल से आपको टिक पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट पर जाना है, एंड यहाँ से उसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एडजस्ट पर जाना है, और ब्लर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देना है, कुछ हद तक आपको कम रखना है। मेरी एडवाइस रहेगी आप इसको 60 या 50 के आसपास रखिए। ठीक है, एंड इसके बाद इसके लेयर को पूरा एंड तक बढ़ा दीजिए, एंड यहाँ पर देखिए आ गए हैं यहाँ तक। और इसके बाद जिस वीडियो को हमने डुप्लीकेट किया उस पर क्लिक करके आगे आएंगे, एंड यहाँ पर आपको एक सेक्शन देखिएगा ओवरले का, इस पर क्लिक करेंगे, एंड इसे कुछ इस तरीके से आगे लेकर आ जाएंगे। अब यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसे आगे लाने के बाद आपको सिंपल से क्लिक करके इसके साइज को कर देना है कुछ इस तरीके से छोटा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से वीडियो दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल से पहले तो हम यहाँ पर एआई वॉइस ऐड करना है, इसके लिए क्या करेंगे, ऑडियो पर जाएंगे, एंड साउंड्स पर जाएंगे, एंड यहाँ पर फाइल्स पर जाएंगे, और यहाँ पर आपको 11 लैब के वॉइस का नाम तो मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं नवीन, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने उस वॉइस का नाम चेंज किया था। इसके बाद आप लोग कहते हो एआई वॉइस मोनेटाइज नहीं होता, भाई मेरे ही बताए तरीके से एडिट कीजिए। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर बीच में जो खाली पार्ट है पर स्प्लिट कीजिए इस तरीके से, एंड इस वॉइस को सरका कर इस तरीके से ले आइए। याद रहे पहला पार्ट जहां पर खत्म हो रहा है दूसरा वहां पर ठीक प्ले होना चाहिए, कहीं भी गैप ना हो, लगातार एआई वॉइस बोले ऐसा कोशिश करना। फिलहाल एग्जांपल के मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं, थोड़ा सा देखिए 2 साल पुरानी कार को दोबारा ठीक किया जाए। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा और आगे कर देते हैं बस, एंड इसके बाद यहाँ पर आगे आते हैं स्प्लिट, एंड इसे भी ठीक इसी तरीके से एडिट कर देते हैं। सेम फिर से स्प्लिट,
और एडजस्ट कर देते हैं एंड फिर से स्प्रेड और एडजस्ट कर देते हैं। ये प्रोसेस मैं आपको डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो कि AI वॉइस वाले चैनल में दिक्कत आ रहा है मोनेटाइज होने में, क्योंकि आप लोग यही गलती करते हो। वॉइस के जो पार्ट होता है ना खाली, उसको रिमूव जरूर से कर दिया करो, ठीक है। तो मेरे बताए तरीके से करोगे तो कभी नहीं आएगा आपको कोई भी दिक्कत मोनेटाइजेशन के सेक्शन पर। देखिए यहाँ पर मैंने आधे ज़्यादा क्लिप्स को कर दिया एंड ये रहा लास्ट वाला वॉइस। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो आगे जाना होगा एंड यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट पर जाएंगे, यहाँ से इस वीडियो को डिलीट कर देंगे, ठीक है। और इस वीडियो को यहाँ पर लेकर आ गए हैं, देखिए सिंपल से यहाँ पर गलत वीडियो कट हो गया, यहाँ पर हमें जाना है इस वाले वीडियो पर एंड यहाँ से स्प्लिट करके और यहाँ से इसको डिलीट कर देना है और यहाँ पर लेकर आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको सिंपल से करना क्या है, पहले एक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना होगा। फॉर एग्जांपल साउंड पर जाते हैं एंड यहाँ पर जाएंगे फाइल्स पर। अब मैंने टेलीग्राम पर काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक डाले हैं एंड ये जो बंदा यूज़ करता है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने डाल दिया, ठीक है। तो मैं फिलहाल ये वाला बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ कर रहा हूँ एंड इसे इस तरीके से क्रॉप कर लेंगे आगे के खाली पार्ट को, वॉल्यूम पर क्लिक करके बिल्कुल कम कर देंगे 10 के आसपास, ठीक है। टेक पर क्लिक कर देंगे और आगे कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर पहले तो हम इस वीडियो पर क्लिक करके इसका स्पीड को कर लेंगे 2x के आसपास एंड यहाँ पर जो चीज बोल रहा है वो हमें दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल प्ले करते पहले, क्या 100 साल पुरानी कार को दोबारा ठीक किया जा सकता है? दरअसल जब किसी कार की बॉडी पूरी तरह से बेकार हो जाती है तब उसे मेटल रिसाइकल फैक्ट्री में लाकर कुछ इस तरह से तोड़ मरोड़ कर एक एक पार्ट को देखिए एक एक पार्ट को अलग, यहाँ पर हमें मल्टी एंगल दिखाना पड़ेगा। स्प्लिट करेंगे एंड यहाँ से देखिए इस तरीके से, अब यहाँ से कट किया जा रहा है कार को, यहाँ से देखिए स्प्लिट और डिलीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से और आगे आ जाते हैं, क्लिक स्प्लिट और आगे आ जाते हैं, यहाँ से देखिए स्प्लिट और डिलीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर इसको स्प्लिट करते जाना है एंड यहाँ पर हमें दिखाते जाना है सारी चीज़ों को जो भी हमें दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं और स्प्लिट और इस तरीके से आ जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा और आगे आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आगे आने के बाद सिंपल क्लिक करेंगे और स्पीड पर जाकर थोड़ा और स्पीड हम इसका बढ़ा देंगे 2x से ज़्यादा एंड अब आप लोग देखिए फास्ट चलने जाएगा वीडियो एंड यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सिंपल से आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पर वॉइस खत्म हो रहा है यहाँ पर, तो पहले बैकग्राउंड म्यूजिक पर क्लिक करके बाकी का इसे डिलीट करेंगे एंड वॉइस को एडिट करके सारी क्लिप्स को स्प्लिट करके डिलीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर डिलीट कर देंगे, इसके बाद इस क्लिप को भी डिलीट कर देते हैं एंड सिंपल एक्सपोर्ट करने के लिए शेयर पर क्लिक करके हाई क्वालिटी आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। आई होप सबको समझ आया, फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने के तुरंत से पूरी कोशिश जरूर से जरूर करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल मिलते हैं मजदार वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद एंड वंदे मातरम।